डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं मल्टी हैबिट कामरान। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको हीमोग्लोबिन का जो मेजरमेंट है वो दिखाऊंगा हीमोक्यू एचबी 201 सिस्टम पर, जो कि एक छोटा सा एनालाइजर है लेकिन बहुत क्विक है और विद इन वन मिनट हमें एचबी के बारे में बता देता है कि एचबी कितना है। तो दोस्तों साथ रहिएगा, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और किस तरह से एचबी एस्टीमेशन जो है हीमोक्यू एचबी 201 एनालाइजर या सिस्टम पर किया जाता है। तो साथ रहिएगा दोस्तों, चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है कि जो पेशेंट है उसकी मिडल फिंगर या जो साइड वाली फिंगर है, ठीक है, रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, ये आइडियल होती हैं। इसे आपने साफ़ करना है डिसइंफेक्टेंट वाइप से या 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, ठीक है। और जो फिंगर की टिप है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडल फिंगर की टिप पर लेंसेट की मदद से प्रिक लगाया जा रहा है, ठीक है। और फिर इस फर्स्ट ड्रॉप को आपने डिस्कार्ड करना है, रिमूव करना है, साफ़ करना है, ठीक है। और जो सेकंड ड्रॉप होगा तो उसको हम माइक्रोक्यूवेट, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे माइक्रोक्यूवेट कहा जाता है, इसकी मदद से हम इस ड्रॉप को उठाते हैं और माइक्रोक्यूवेट होल्डर में रख देते हैं और इस होल्डर को हम बंद कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं हम 60 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। 60 सेकेंड्स के बाद ये हमें रिज़ल्ट देगा, ठीक है, और वो रिज़ल्ट जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हीमोक्यू एचबी 201 का एनालाइज़र है, ठीक है दोस्तों। इंतहाई एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है और इंतहाई क्विक रिज़ल्ट देता है विद इन 60 सेकेंड्स में, ठीक है दोस्तों। तो ये बेस्ट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस मशीन, इस एनालाइज़र का भी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो रोज़ाना रन किया जाता है, ठीक है, और उसके बेसिस पर फिर इसे प्रिपेयर किया जाता है कि ये अपनी रिजल्ट्स जो हैं वो दे सके, ठीक है दोस्तों। सो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा है इसका, ठीक है। इसमें एक माइक्रोक्यूवेट होल्डर है, ठीक है, और इसके साथ माइक्रोक्यूवेट्स आते हैं, ठीक है। और आपने माइक्रोक्यूवेट को देखा कि उसमें हमने ब्लड को उठाया और माइक्रोक्यूवेट होल्डर में रखा तो रिजल्ट आ गया दोस्तों हमारे पास 16.7 ग्राम पर डीएल। ये रिजल्ट है एचबी एस्टीमेशन जो हम कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।